हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। ठीक है, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। तो यहाँ पे हाइड साइनाइड की हाइड्रोलिसिस चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिए एल्काइल साइनाइड, यहाँ पे एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड है और इसको हाइड्रोलिसिस कराते हैं एच प्लस वाटर के साथ। इसको हाइड्रोलिसिस कराते हैं या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H3O प्लस, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं H3O प्लस के फॉर्म में। तो इसका प्रोडक्ट बनता है RCONH2 और इस एमाइड को फिर से हाइड्रोलिसिस कराते हैं H प्लस वाटर के साथ। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस, यहां से NH3 अमोनिया के फॉर्म में रिप्लेस हो जाता है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे साइनाइड को पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं, साइनाइड को पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अमाइड का फॉर्मेशन होता है, और जब साइनाइड को कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसी साइनाइड को जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर कंपाउंड में गिवेन है पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो अमाइड बनाकर छोड़ देंगे, ठीक है, और जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है तो क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं होता कैसे है। जब साइनाइड को हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में कैसे बनते हैं, तो इसे मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करते हैं। देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। यहां पर ले लिए एल्काइल साइनाइड। अब यहां पे सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं एच प्लस के साथ एसिटिक मीडियम में। अब यहां पे देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो यहां से पहले एच का प्रोटोनेशन होगा, एच को प्रोटोनेट करेगा और आफ्टर प्रोटोनेशन ये बनेगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज। अब जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज हो गया तो ये अनस्टेबल फॉर्म फिल करेगा, तो यहां से प्लस को हटाने के लिए इस बॉन्ड को हम शिफ्ट कर दिए, इस बॉन्ड को यहां से शिफ्ट किए। अब यहां पे चेक करेंगे कार्बन पे आएगा डेल प्लस। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, इसके ऊपर डालेंगे वाटर। वाटर में देखो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। इस कार्बन पे अटैक करने के बाद बॉन्ड यहाँ से कंप्लीटली टूटेगा और ये बॉन्ड टूटने के बाद बनेगा आर सी, यहाँ पे ओ एच हो जाएगा एच को प्रोटोनेट करने के बाद। इसके बाद ये डबल बॉन्ड और यहाँ से आ गया एन एच। ये इनोल फॉर्म है, अभी ये फॉर्म इनोल है। जब इसका कीटो फॉर्म बनाते हैं तो ये फॉर्म बन जाएगा आर सी ओ एन एच टू। तो यहां से अमाइड का फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया इसका कीटो फॉर्म। तो जब इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अमाइड का फॉर्मेशन होगा। अब फिर से जो अमाइड बना इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराना है, फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं एच प्लस वाटर के साथ। जब एच प्लस वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन पहले किसके साथ होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर तो ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा तो इसके पास लोन पेयर बचेगा नहीं। तो सबसे पहले प्रोटोनेशन किसका होगा, ऑक्सीजन के ऊपर सबसे पहले एच प्लस प्रोटोनेट किस पे करेगा, ऑक्सीजन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ से एच को प्रोटोनेट करेगा और एच को प्रोटोनेट करने के बाद बना लेगा फॉर्म आर सी ए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके ऊपर आ गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज हो गया, इसके बाद NH2। अब यहां से देख रहे हैं कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है
और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर प्लस चार्ज अनस्टेबल होते हैं, तो स्टेबल होने के लिए यहां से इस बॉन्ड को हम शिफ्ट करेंगे। जैसे इस बॉन्ड को शिफ्ट किया, कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया डेल प्लस। अब हम इसके अंदर डालेंगे वाटर। जैसे हम इसके अंदर वाटर डाले, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे कार्बन पे अटैक किया है, बॉन्ड यहां से शिफ्ट हो गया। तो एफ बना लेगा आर सी, ये हो गया OH, इसके बाद NH2 और यहां से इस पे आ गया OH, ठीक है। तो यहां से एफ बन गया। अब करते क्या है, यहां पे ऑक्सीजन ने H प्लस को, यहां पे प्लस आ जाएगा ऑक्सीजन पे, क्योंकि इसको जब वाटर न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो यहां पे इसके साथ बॉन्ड बनाने पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। अब यहां से होता क्या है, इस प्लस चार्ज को हटाना है, तो यहां से हम लिखते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। यहां से करेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब यहां से हम एक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, H को यहां से एक्सेप्ट किया, और H को एक्सेप्ट करने के बाद एक फॉर्म बना लेगा R C O H, और यहां से बन जाएगा NH3+, और इसके ऊपर आ गया OH। अब यहां से देखो NH3+ एक लिविंग ग्रुप बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, इंटरनली इस कार्बन पे अटैक किया, और इस कार्बन पे अटैक करने के बाद यहां से NH3 रिप्लेस हो जाएगा, और जैसे ही NH3 यहां से रिप्लेस हुआ, NH3 रिप्लेस होने के बाद फॉर्म यहां से बन जाएगा R C, यहां से डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन तीन बॉन्ड नहीं बना सकता। उसके बाद यहां से इस पे आ गया OH। अब फाइनली यहां से हम H को डीप्रोटोनेट कर दिए, प्लस चार्ज को हटाना था, तो यहां से फाइनली H को डीप्रोटोनेट करेंगे, और आफ्टर डीप्रोटोनेशन एक कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में। यहां से फॉर्म बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे हम देखें क्या, प्लस इसके साथ NH3 रिप्लेस हो जाएगा। तो फाइनली इसमें देखें क्या कि जब हम साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं, पार्शियल तो अमाइड का फॉर्मेशन होता है, और जब साइनाइड को कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।